न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था, लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था, ये काले धन के खिलाफ नहीं था, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों के खिलाफ था। नमस्कार, मैं हूं संतोष तिवारी। दिल्ली राजनीति का ब्रेन है तो उत्तर प्रदेश दिल, और दिल्ली के सारे ब्रेन इन दिनों यूपी का दिल जीतने में लगे हैं। इसके लिए एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि देश के लिए ये जो चिंताओं की फहरिस्त है, क्या उसकी बुनियाद में यूपी या कुछ दूसरे राज्यों के चुनाव ही हैं? आज बहस इसी मुद्दे पर। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था, लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था, ये काले धन के खिलाफ नहीं था, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों के खिलाफ था। बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो, पंजाब की हो, या गोवा, या फिर उन तमाम राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, बयानों के जरिए इन दिनों लोगों की परेशानियों को कम आंका जा रहा है और उन परिस्थितियों में उन तमाम आरोपों को बुनियाद बनाकर चुनावी मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। क्या यही है असली बयानों की हकीकत? हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता इकोनॉमिक अफेयर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जीतू पटवारी, कांग्रेस प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ अदिति फडणवीस मेहता, पॉलिटिकल एडिटर बिजनेस स्टैंडर्ड, मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर आज का दिन मोदी बनाम राहुल का रहा है। दोनों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक दूसरे को आईना दिखाया और यह दावा किया कि वो करप्शन के खिलाफ खड़े हैं। कि देश के राजनेता कुछ और कुछ राजनीतिक दल हिम्मत के साथ बेईमानों के साथ खड़े हो जाएंगे। पॉप कॉन्सर्ट में आप जाते हैं, कहते हैं हा हा हा, मैंने हिंदुस्तान के कैश को जला दिया, ये जो आपका कैश है अब ये कैश नहीं रहा, अब ये कागज के टुकड़े हैं, कागज के टुकड़े। देश का एक बहुत बड़ा सफाई अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री करप्शन पर चोट के लिए चट्टान बनकर डटे हैं। राहुल गांधी को उनकी मंशा पर सवाल जरूर है, लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ने में वो भी अपनी पार्टी के साथ खुद को तैयार बताते हैं। एनडीए की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कदम उठाए, छोटा से छोटा कदम बड़ा कदम। कांग्रेस पार्टी उनको पूरा समर्थन देगी, 100% समर्थन देगी। मगर नोटबंदी का ये जो डिसीजन था, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था, ये काले धन के खिलाफ नहीं था, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों के खिलाफ था, ये हिंदुस्तान के कमजोर लोगों के खिलाफ था। मोदी जी ने कहा कि लाइन में चोर खड़े हुए हैं। आज बैंक के सामने मैंने लोग देखे, 100-200 लोगों की लाइन थी। मोदी जी वो चोर नहीं थे, वो हिंदुस्तान के गरीब ईमानदार लोग खड़े हुए हैं। लेकिन दोनों को ही ये मंजूर नहीं कि सामने वाला करप्शन के मामले में खुद को पाक साफ बताए। जब उस देर की सफाई शुरू करते हैं तो गंध इतनी ज्यादा महसूस होती है कि वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। गंध का ढेर वैसे का वैसा पड़ा है तो एक सीमा तक ही गंध महसूस होती है, लेकिन जैसे ही उसको सफाई करना उठाना शुरू कर दिया तो ऐसी गंध महसूस होती है,
आजकल आप देख रहे होंगे कैसी कैसी गंध महसूस हो रही है। नरेंद्र मोदी जी, आप मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो, उड़ाओ, मगर इन सवालों का जवाब दे दो। क्या इन कागजों में सच लिखा है या नहीं? ये सत्य है या नहीं? ये सत्य है या नहीं, बस बता दो। आप पूरे हिंदुस्तान को जवाब दीजिए कि इन कागजों में सच्चाई है या नहीं। इसके बाद दो सवाल तो बनते हैं। मसलन, क्या कोई राजनेता ये चाहता है कि विपक्षी दल भी पाक साफ दिखें? और क्या विपक्ष ये चाहता है कि सत्ता पक्ष दाग मुक्त होकर काम करता रहे? कोई कह सकता है कि ये क्या बात हुई? आखिर इंसानी फितरत ही तो कैसे भी एक दूसरे से आगे निकलने की होती है। नरेंद्र मोदी जी आएंगे, लेकिन तब सवाल ये है कि फिर हर रोज देश के लिए मर मिटने की बातें क्यों? आप सीधे सीधे कहिए ना कि हमें वोट चाहिए। आप कहिए ना कि वोट के लिए कुछ भी चलता है। आप मान लीजिए ना कि आपको किसी भी कीमत पर यूपी का जनमत चाहिए, किसी भी कीमत पर। जब मजदूर काम करता है। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और अपना पसीना दे। जनता की परेशानियों से इतर आखिर लोगों को क्या समझाने की कोशिश की जा रही है? जनता की परेशानियों को बताते हुए एक दूसरे को भ्रष्टाचारी साबित करते हुए क्या चुनावी रोटियां सेकी जा रही हैं? गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्या बीजेपी अपने एजेंडे पर काम कर रही है? आप लोगों ने एक काम किया, आप लोगों ने जनता के बीच जाकर उसकी प्रशंसा की, अपने काम, अपनी पीठ थपथपाई, जनता कतार में खड़ी है, कई परेशानियां आई, अपने फैसलों को आपने 10 बार बदला, लेकिन चुनावी रैलियों में इसका इस्तेमाल क्या सिर्फ वोट के लिए किया जा रहा है? ऐसी बात नहीं है। इतना बड़ा जो डिसीजन मोदी जी ने लिया है, उसके लिए जो सारी जो जनता को तकलीफें हो रही है, उसके लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ हम कह रहे हैं कि वह थोड़े समय की समस्या है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज आपका मुद्दा है, वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ जो लड़ाई कर रहे हैं, उसमें कितनी सिंसियरिटी है या नहीं है, केवल वोट के लिए ये बातें हो रही है, ऐसी बात नहीं है। इतना बड़ा डिसीजन जिसका इतना रिपरकेशन होगा, शॉर्ट टर्म में भी होगा, मीडियम टर्म में भी होगा, लॉन्ग टर्म में भी होगा, इतने 1.5 महीने से पूरे देश जिस बात पे चर्चा कर रहा है, तो और उसके अभी परिणाम क्या होंगे, यानी उसका पॉलिटिकल गेन होगा कि नहीं होगा, जो भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन गोपाल जी, अगर हमने इसको बिल्कुल स्पेसिफिक समझ है कि हम करप्शन और भ्रष्टाचार के खिलाफ इसको बिल्कुल सटीक तरीके से समझिए। क्या काला धन मुद्दा बना दिया गया और अब ये चुनावी मुद्दा हो गया? क्या ये एक ऐसा मुद्दा हो गया है कि जनता के बीच पहले इसको देश हित से जोड़ा गया और उसके बाद अब इस पर वोट की खेती होगी और ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए संतोष जी, बात यह है कि अगर जनता का कोई मुद्दा है जिससे जनता परेशान थी, आने पिछले 10 साल से बुरी तरह परेशान थी, और वह एक चुनावी मुद्दा था बहुत बड़ा कि देश में भ्रष्टाचार है, उसे खत्म करना है, देश में आर्थिक विकास लाना है, इन दोनों मुद्दों पे हमने इसी मैंडेट पे यह इलेक्शन लड़ा था, तो हम अपने मैंडेट को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी उस प्रयास में लगे हुए हैं। सफलता असफलता नहीं होना, ये सर तो इसको मुद्दा बना समय बताएगा और जनता इसको मुद्दा बना दिया आप लोगों ने और अब वोट की गुंजाइश भी अपने प्रयास जी वोट की गुंजाइश भी इससे हो रही है। जीतू पटवारी जी, कांग्रेस भी कुछ अलग नहीं कर रही है। कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच चली गई है। ठीक है, आप लोग विपक्ष में हैं, संसद के भीतर काम नहीं हुआ, इसके लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन अब जनता के बीच जाकर इन बातों को समझाना, तो प्रदेश के मुद्दे कहां है? प्रदेश के बारे में कौन सोच रहा है? किसानों की जब बात होती है आप बोलते हैं वो लाइन में खड़े हैं। संतोष, बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है। जो हमारे गोपाल जी ने बातें कही कि हम एक पब्लिक डोमेन में हमारी नियत ठीक है, हमने इस तरीके का पॉलिटिकल लाभ हानि बाद में है, देश पहले। आपने जिस तरीके से बात की, राहुल जी ने आज पूरी डिबेट को, आप अगर आपने जो रिपोर्टिंग बताई उसको आधार बनाऊं मैं, तो उन्होंने 3 सवाल प्रधानमंत्री जी से किए हैं कि प्रधानमंत्री जी, काले धन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर आप जो भी डिबेट करेंगे, जो भी कार्य करेंगे,
जो भी स्टेप लेंगे हम आपके साथ हैं और 100% साथ हैं। उन्होंने इसके साथ एक और बात कही कि आपके खिलाफ कोर्ट में एक एविडेंस के साथ लोग गए हैं, आप एक सहारा में और आदरणीय बिड़ला जी के कंप्यूटर से आपके नाम निकले जिसमें आपने करीब 40 करोड़ और 25 करोड़ का आपका लेन देन का ब्यौरा आया है। आप इस पे देश चाहता है कि एक तरफ आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। देश के सामने क्लियर करें ये आरोप सही है या गलत है। देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा इतनी हल्की नहीं हो सकती, इतनी छोटी नहीं हो सकती कि उस पे इस तरह के आरोप लगाते रहें और देश देखता रहे, इससे वर्ल्ड में साख हमारी पीछे होती है। दूसरी चीज जो गोपाल जी ने कहा तो इसका जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, उन्होंने इस पे मिमिक्री की, इस पे मजाक उड़ाया, इस पे ये कहा कि हम राहुल गांधी जो बोलते हैं वो ठीक नहीं बोलते हैं। मेरा सवाल है कि आज देश देखना चाहता है कि जिन प्रधानमंत्री ने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर राजनीतिक लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण, आर्थिक अपराध के प्रकरणों पर न्याय करने की बात चुनाव से पहले कही थी, वो अब मौन क्यों है? वो सवाल पूछते हैं तो सवाल उठाते हैं, जवाब क्यों नहीं देते? ठीक है, ये सवाल देश के सामने है। नहीं, सवाल तो बहुत सारे देश के सामने हैं। संतोष जी एक मिनट, मैं आऊंगा, प्रश्न करना चाहता हूँ। सवाल तो देश के सामने है लेकिन सबसे बड़ा सवाल एड्रेस कौन कर रहा है? पूरी बात मेरी अगर होने देंगे तो मेहरबानी होगी गोपाल जी। जीतू जी, मेरे पास और भी पैनलिस्ट हैं, आपने अपनी बात रख दी, ठीक है, गोपाल जी के पास भी समय मिलेगा, वो वापस मैं उनके पास आऊंगा। लेकिन अदिति जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही खड़ा हो रहा है कि अब तक इन तमाम भाषणों से, रैलियों से, परिवर्तन रैली में जो मोदी बोलते हैं, या फिर बहराइच और जौनपुर में जो राहुल गांधी ने कहा, या फिर केजरीवाल जी ने रांची में जो कह दिया, ऐसा लगता है कि कौन कितना करप्ट है ये साबित करने की कोशिश ज्यादा हो रही है, बशर्ते कि इन प्रदेशों के मुद्दे क्या हैं। निश्चित रूप से, और प्रदेशों के ही मुद्दे नहीं, अगर आपको भ्रष्टाचार खत्म करना है, करप्शन खत्म करना है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐसा काम करते हैं जिससे 86% आपकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है, क्योंकि हमारे देश में एक नियम है, एक कानून है, एक प्रथा है कि अधिकतर काम कैश से ही होता है। अब आप बिना किसी तरह, बिना कोई उसका बैक एंड देखे, बिना सोचे समझे, अगर आप कह दें कि आज से 5 रुपए का नोट या 10 रुपए का नोट नहीं चलेगा, तो फिर लोग कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे? और ये तो साफ, मतलब जो आपने निर्णय लिए हैं उससे साफ झलक रहा है कि आपने ठीक से इसके बारे में सोचा नहीं। आपका रिजर्व बैंक एक दिन एक चीज़ कहता है, अगले दिन दूसरी चीज़ कहता है, तीसरे दिन तीसरी चीज़ कहता है, तो मतलब इसका क्या मतलब है? लेकिन इसके बारे में सरकार कौन रहा है? आज भी जब हम इस डिबेट में इस मुद्दे को खंगाल रहे हैं तो गोपाल जी, इस बारे में सोच कौन रहा है? और रैलियों में भी इस बारे में नहीं सोचा जा रहा है। गोपाल जी, कौन सोच रहा है, कौन एड्रेस कर रहा है इन लोगों की परेशानियों को? ये जो लोग कतार में खड़े हैं, ये जो प्रधानमंत्री से कुछ सुनना चाहते हैं, ये तो ऐसा लगता है कि एक पार्टी को, एक नेता को भ्रष्ट साबित करने की कोशिश ज्यादा है, बशर्ते लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस ना किया जाए या छोड़ दिया जाए। देखिए, अगर लोगों की समस्या के ऊपर चर्चा करना चाहते थे, विमुद्रीकरण पे, नोटबंदी पे करना चाहते थे, तो हम पूरी तरह तैयार थे। पार्लियामेंट को पूरी तरह से इन्होंने एक ड्रामेटाइज एक करके उसको खत्म किया, चलने नहीं दिया। वहां पे दो भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा एक सीधा सवाल, दो महत्वपूर्ण बिल आप फिर इसको क्या कर रहे हैं? आप इसको मंच बना रहे हैं, विसल ब्लोअर पुरानी लड़ाई, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं। गोपाल जी, मेरा सवाल बिल्कुल स्पष्ट है, देखिए इसका जवाब सीधा चाहिए। जनता की समस्याओं को कौन एड्रेस कर रहा है? काला धन एक राष्ट्रव्यापी समस्या थी जिसको दूर करने की कोशिश हुई, अब काला धन के बहाने आप विपक्षी पार्टियों को टारगेट कर रहे हैं, ये कितना जायज है? रूल आप बना रहे हैं, रूल आप बदल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम एक काले धन के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको खत्म करने की। आप केवल नोटबंदी को नहीं, 2014 से जब से मोदी जी आए तब से ले लीजिए, चाहे SIT का गठन हो, कितने में एग्जांपल दे सकता हूँ। विमुद्रीकरण अकेली का स्टेप नहीं है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ करप्शन एक्ट में अमेंडमेंट की बात थी, जो IDS इनकम डिस्क्लोजर स्कीम है, काले जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट था उसमें पैन नंबर को देने की बात थी, 20,000 से ऊपर कैश ट्रांजेक्शन को बैन किया, विदेशों से जो संधि थी उसको रीनेगोशिएट किया है, अमेरिका से फाटका साइन किया, तो कितने सारे स्टेप्स लिए हैं।
आज जो तो सर ये बताइए ना रैली में, सरकारी ये बताइए रैली में, आप एक नेता को, आप एक नेता को, एक पार्टी को सिर्फ वोट के लिए आप वहां पर जाकर भ्रष्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ये सिर्फ आपसे नहीं कहना, ये जीतू जी से भी कहना है, लेकिन सुनिए नेता कह क्या रहे हैं इस तमाम परिस्थितियों में, जब देश एक द्वंद कर रहा है, देश कतार में खड़ा है, लोगों की जान जा रही है, हाड़ कपाती सर्दी में लोग बैंक और एटीएम के बाहर खड़े हैं, उसमें नेताओं की ये बयानबाजी हो रही है। अब देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, रांची पहुंचे, उन्होंने रैली की, नरेंद्र मोदी पर उन्होंने बड़ा हमला किया, उन्होंने कहा कि काला धन रखने वाले पीएम के दोस्त हैं और मोदी जी किसानों और मजदूरों को लाइन में लगा चुके हैं। आपने गरीब लोगों को लाइन में लगा दिया, आपने इन सारे लोगों को लाइन में लगा दिया, आपने किसानों को लाइन में लगा दिया। अरे किसानों के घर में काला धन है क्या? मजदूरों के घर में काला धन है क्या? जिनके पास काला धन है, स्विस बैंक के खाते हैं, 648 लोगों की लिस्ट, प्रधानमंत्री उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते प्रधानमंत्री उनके खिलाफ एक्शन? वो सारे उनके दोस्त हैं, प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं वो सारे, जितने अमीर लोग हैं वो प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं। तो इन्होंने काला धन खत्म नहीं करना था नोटबंदी से, इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना था नोटबंदी से, तो क्यों करी भाई साहब ये नोटबंदी? सारे देश को बर्बाद कर रखा है। बयानों को आपने रिपोर्ट में भी सुना, और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, रांची में रैली को संबोधित कर रहे थे। सवाल हमारा आज भी वही स्पष्ट खड़ा है जीतू, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो भी नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों को टारगेट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। सर मेरे को सीधा एक सवाल का जवाब दीजिए, इसमें वोट की राजनीति हो रही है या नहीं हो रही है? इश्यू काला धन है, इश्यू ऐसा इश्यू है जो सिस्टम के तहत चल रहा है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ वोट को लेकर फसल काट रहे हैं। संतोष, दो बातें हैं। आपने कहा यूपी को लेकर जो इसमें इलेक्शन है, लोगों की समस्या, उसको लेकर राहुल जी ने बात नहीं कही। राहुल जी ने, आपको ध्यान हो, पूरा भाषण देखा हो, तो उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी से हम जाके मिला, हमारे सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मिला, हम यूपी की समस्या को लेके गए, 2 करोड़ रोजगार आपने हर वर्ष देने की बात कही थी, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि किसानों के कर्जे माफ हो, बिजली के बिल हाफ हो। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप फसलों के उचित मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, एमएफसी की आपने बात कही थी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें। ये बातें भी उन्होंने अपनी स्पीच में कही है संतोष, ये बात नहीं है। पर इसके साथ साथ ये भी कहा है कि देश आपके तरफ आप उस निगाह से देखता है कि मोदी एक तरफ तो आम आदमी को ये कहते हैं कि आप करप्ट हो, आपने काला धन निकाल रखा है। एक बहुत बड़ा वर्ग संतोष, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं कि एक मध्यम वर्गीय और गरीब आदमी का 80% लोग उन लोगों पे, जो अधिकारी है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो 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 व्यापारी है, जो पैसे वाले हैं, आर्थिक संपन्न है, उनको चोर देखने लगा है, उनको करप्ट देखने लगा है, आपराधिक निगाह से देखने लगा है। लेकिन वो 50% लोग, वो 50 परिवार कौन से हैं? नाम क्यों नहीं बता देते राहुल गांधी? के लिए बहुत खतरनाक होगा जीतू जी। वो 50 लोग कौन है, वो 50 परिवार कौन है, उसका नाम क्यों नहीं बता देते राहुल गांधी? अगर इतना ही मुद्दा है, इतनी ही करप्शन की लिस्ट लेकर वो घूम रहे हैं, तो वो 50 परिवारों के नाम क्यों नहीं बता देते? अडानी का बताया, आज इनका बताया, नहीं नाम ऐसा है संतोष। देखिए नहीं, देखिए इसको राजनीतिक इश्यू, ये एक मुद्दे को समझना होगा। मुझे पता है कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आप किसानों की अगुवाई करते हैं, आप किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जीतू जी मुझे ये समझाने की कोशिश करिए कि क्या ये मुद्दे सिर्फ चुनाव के तौर पर ही याद आते हैं? संसद में किसी भी पार्टी ने काम नहीं करने दिया, एक पार्टी पक्ष हो या विपक्ष, किसी ने काम नहीं करने दिया। लेकिन जब बात चुनाव की आती है तो देखिए, इन्हीं किसानों को, इन्हीं मजदूरों को हथियार बना लिया जाता है। संतोष, जहां तक संसद का प्रश्न है, इसकी ज्यादा जिम्मेवारी सरकार की होती है। कांग्रेस पार्टी अंतिम दौर तक ये मांग करती रही कि आप किन परंपराओं में चर्चा कराना चाहते हैं, किन नियमों में चर्चा कराना चाहते हैं, किन सी धाराओं में चर्चा कराना चाहते हैं। कोई यार आखिरत में तो यहां तक आए कि जिसमें भी चाहो चर्चा करा लो। सरकार चर्चा कराना नहीं चाहती थी। खैर वो लंबी डिबेट है, कहां क्या है, कह क्या रही है, राहुल जी ने क्या सवाल खड़ा और उसका इंटेंशन क्या है। आपको ये भी ध्यान दिलाऊं, राहुल जी ने ये कहा है
कि काले धन के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ कोई भी लड़ाई हो, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। गोपाल जी, मैं फिर से आपको नोट कराना हूं। गोपाल जी, पर आप जिस तरीके से सबको चोर कह रहे हैं और मैं अकेला साफ हूं, गोपाल ये जी, गलत है। और इस नाते आप पे जो आरोप लगे इसके जवाब देने चाहिए। यही जो आप कह रहे हैं, ये सवाल है, यही बातें हाईलाइट हो रही हैं, मुद्दे गायब हो रहे हैं, एक दूसरे को चोर साबित किया जा रहा है। आप खुद इस बात को स्वीकार करें, आप भी यही बात कह रहे हैं। गोपाल जी, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। नहीं, नहीं। ऐसा है, लेकिन ये परिस्थितियां यहां पर आकर सिर्फ वोट की राजनीति करने की है, यूपी फोकस्ड है। आप अपनी पार्टी को ताकतवर बनाना चाहते हैं। मैं बता दूं, देखिए, सबसे पहली बात, हम काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ और काले धन के खिलाफ काम कर रहे हैं। बात यह है कि अपोजिशन उसमें जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। अगर ये मुद्दा राहुल गांधी जी ने क्या कहा नाटकीय, देखिए ये आप कह रहे हैं, यही यही बात इश्यू है गोपाल जी। अगर गोपाल जी माफ करिए, मैं आपको रोक रहा हूँ। देखिए आप भी वही, नहीं आप भी वही इश्यू कह रहे हैं, मैं आप ही के पास हूँ, मैं किसी और पैनलिस्ट के पास नहीं जा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के साथ विपक्ष खड़ा है, ये साबित क्या करता है, ये क्या साबित करता है? आप भी कह रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से रैलियों में भी यही कहा जा रहा है। बीच में आप बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाती है। नहीं सुनिए, पूरी बात सुनिए, हम कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी ने गोपाल जी, गोपाल जी संतोष, मेरे गोपाल जी से तीन सवाल है, अगर इनका उत्तर दिलवा दे तो देश की जनता आपके चैनल के माध्यम से समझना चाहेगी। गोपाल जी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं उनको। जी गोपाल जी, हाँ सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए शांति से, नहीं तो मैं आपके बीच में बोलता रहूंगा, आप मेरे बीच में कुछ भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी जी को भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना था तो नाटकीय ढंग से उनने क्या कहा कि मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, और फिर जब वो बोले तो कौन सा मुद्दा लेके आए जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने उन प्रूफ को, उन एविडेंसेस को कहा कि ये तो नाकाफी है, इनमें कुछ दम नहीं है, आप दूसरा लाओ। प्रशांत भूषण ऑलरेडी लेके आ चुके थे, अरविंद केजरीवाल उसको असेंबली में उठा चुके थे, पब्लिक डोमेन में 2013 से सहारा वाला कांग्रेस के टाइम से जेल में है। तो अगर कांग्रेस को अगर सीरियस है एकदम से देश के सामने रख देंगे तो मोदी जी का असली चेहरा देश बहुत जल्दी समझेगा। अरे तो ये 2013 में क्यों नहीं एक्शन लिया? 2013 से कांग्रेस का यूपीए का शासन था, कांग्रेस के पास पूरा कंट्रोल था। अगर सहारा वाला इशू, गोपाल जी ये डिबेट और तर्क उतर्क पे नहीं करना चाहता। मुझे इतना बताएं कि आपने 2 करोड़ रोजगार देने के हर वर्ष वादा किया था, क्या हुआ उसका? ये इश्यूज जो है ना, यही रैलियों में बोलने चाहिए। ये कहा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को जितना लागत लगेगा उससे डबल मिलेगा, क्या हुआ उसका? ये इश्यू होना चाहिए था। देखिए अदिति जी, ये जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ये वोट की खेती को लेकर ज्यादा हो रहे हैं। इस डिबेट के भीतर भी ये लोग अपने मुद्दों को राजनीतिक तौर पर ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बशर्ते जनहित के लिए। क्या इनसे वोट मिल पाएगा? ये रैलियां क्या वोट में तब्दील हो पाएंगी जो लोग आते हैं यहाँ पर मोदी जी को सुनने, राहुल जी को सुनने, या फिर तमाम नेताओं को सुनने? ऐसा है कि अभी तक जो लोग यूपी से वापस आए हैं वो तो कह रहे हैं कि भाजपा 3 नंबर पर थी और 3 नंबर पर ही है, तो नोटबंदी से नुकसान भी नहीं हुआ है और फायदा भी नहीं हुआ है कुल मिला के। लेकिन मुझे एक बड़ा, इससे बड़ा इशू है, और वो इशू ये है कि हमारे देश में लोग बाय एंड लार्ज आम तौर पर लोग सरकार को माई बाप समझते हैं। सरकार के सामने जितने तथ्य हैं, सरकार के सामने जितनी इंफॉर्मेशन है, सरकार के पास जितना ज्ञान है, वो हम और आपके पास नहीं है। वो सब ज्ञान रखते हुए क्या सरकार मतलब इतनी निष्ठुर हो गई, इतनी खुदगर्ज हो गई कि जो लोग जिस पीड़ा से लोग गुजर रहे हैं वो सरकार समझ नहीं पा रही है क्या? मोदी जी ने कहा कि हमको 50 दिन दीजिए, 50 दिन खत्म होने वाले हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि 50 दिन में लोगों की पीड़ा खत्म हो जाएगी। लोग आज भी लाइनों में लगे हैं अपना पैसा निकालने के लिए बैंकों में, लोगों को आज भी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, और तनख्वाह न देने के की आड़ में उनके पैसे काट रहे हैं। मतलब ये कहां का न्याय है? इसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा। मेरा एक एक सवाल है मेरा दोनों से, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। गोपाल जी, क्या आपको लगता है कि ये जो बयानबाजी है ये सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है, देश को समझाने की कोशिश नहीं है, एक दूसरे को चोर साबित करने की जरूरत है? गोपाल जी,
नहीं देखिए, जहाँ तक काम का सवाल है, हम पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इतने बड़े स्टेप्स आपको लग रहे हैं, इतने स्टेप्स लेने के बाद भी अगर किसी को ये लगे कि हम क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, तो गलत बात है। हाँ, वो सही है नहीं है, वो ये ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, ये डिबेट तो हो सकता है। जी तो जी, लेकिन अगर इतने जी तो जी सर, डिबेट ही करने को तो कोई तैयार नहीं है, एक दूसरे को चोर साबित करने के लिए। कब तक, कब तक सिर्फ और सिर्फ रैलियों में जनता के लिए और जनता के सरोकारों से मुद्दे गायब होते हुए वोट में तब्दील होते नजर आएंगे नेताओं के भाषण में? जीतू जी, बहुत कम समय है मेरे पास। संतोष, बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा देश है, हमारे प्रधानमंत्री है, लोकतंत्र मजबूत है, अल्टीमेटली जो वादे किए हैं वो पूरा करें। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ये कहा है कि सरकार वो सब कदम उठाए जिससे करप्शन दूर हो, पर करप्शन हम करें और फिर हम कहें कि बाकी चोर है, तो ये भी विपक्ष का काम है कि उसको इन सवालों को तो उठाना चाहिए। मुद्दे मुद्दे भी उठने चाहिए। देश में गरीब आदमी मर रहा है, मुद्दे भी किसान उठने मर रहा है, जो मुद्दे भी उठने चाहिए, आदमी उस पर चोट हो रही है। ये बड़ा सवाल है कि मुद्दे भी जनहित के ही उठने चाहिए। पक्ष विपक्ष या किसी नेता को यहाँ चोर साबित करके कुछ नहीं होने वाला, वोट मिल जाएगा लेकिन असल मुद्दे जनता को परेशान करते रहेंगे। और ये सभी राजनीतिक दलों को सोचना है, चाहे वो सत्ता में हो या फिर विपक्ष में। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जीतू पटवारी जी, अदिति मेहता जी, आप मेरे साथ जुड़ी और इस चर्चा का हिस्सा बनी। हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था, लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था, ये काले धन के खिलाफ नहीं था, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों के खिलाफ था।